तो वहीं सिरोंज पुलिस ने एक स्थायी वारंटी और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से एक देशी पिस्तौल, तीन देशी कट्टा, छह जिंदा कारतूस भी बरामद किए। वहीं एसडीओपी उमेश तिवारी ने बताया कि स्थायी वारंटी बादशाही मियां के खैरी टपरा के पास होने की सूचना प्राप्त हुई थी। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया, साथ ही उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए। वहीं बमोरी साला पुलिया पर एक व्यक्ति के द्वारा देशी कट्टा बेचने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बमोरी साला निवासी मुजाहिद खान को गिरफ्तार किया और उसके पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर का और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए। जब इन दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई, तीसरे आरोपी गोविंद डांगी का भी इस कारोबार में लिप्त होना पाया गया। ये एक बड़ी सफलता दीपनाखेड़ा पुलिस को मिली है, जिसमें हमारे एसडीपी साहब, उनके नेतृत्व में हमारे एसएचओ अनुज और उनकी पूरी टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें चार अवैध फायर आर्म्स जब्त किए गए हैं। इनके साथ कुछ राउंड भी जब्त किए गए हैं और स्थाई वारंटी, जिसके पांच स्थाई वारंट थे, उसको गिरफ्तार किया गया है। अभी लगातार चुनाव की कार्रवाइयों को लेकर अभियान चल रहे हैं। लोकसभा निर्वाचन बहुत निकट है हमारा, तो उसको लेकर लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में स्थाई वारंटी जो दीपनाखेड़ा थाना का है, वासना मियाँ, जिसके पांच स्थाई वारंट विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं के थे, इसकी सूचना प्राप्त की। चूँकि पुलिस लगातार सक्रिय है ऐसे वारंटियों को पकड़ने के लिए, जब सूचना मिली तो इस वारंटी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पर इससे पूछताछ के दौरान, इसकी तलाशी के दौरान एक कट्टा बरामद हुआ। उसके बाद लगातार पूछताछ और लिंक जोड़ने का प्रयास किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में मुजाहिद गिरफ्तार हुआ, उसके पास से एक कट्टा और बरामद हुआ। उसके पश्चात जब पूछताछ हुई, 2027 के मेमोरेंडम बनाए गए, तो इसमें दो अन्य आरोपियों के नाम आ गए, गोविंद पिता तूफान और अंधेर पिता कुमान सिंह। इनके पास से भी ये देसी कट्टा जो होममेड होता है, ये बरामद किया गया है। ये आपके सामने दृष्टब में यहाँ पे रखे हुए हैं। ये बड़ी सफलता है पुलिस की, क्योंकि इस क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को लेके लगातार पुलिस सक्रिय रहती है और हमारे प्रयास रहते हैं कि ऐसी गतिविधि ना चलने पर।